नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम नाइटी बनाएंगे जिसका कटिंग हमने कर लिया है। ये 60 इंच लंबाई का नाइटी है और इसकी चौड़ाई जो है चेस्ट है वो 46 है। तो इसका एक तरफ का हम यहाँ से 1/4 इसमें हम 11.5 इंच लेंगे, ये 11.5 इंच। और हमारा प्रिंट जो है वो रेनबो प्रिंट का है, इस प्रकार। तो हम क्या करेंगे, इसको हम बॉटम पार्ट में बनाएंगे घेर जो है उसको, और चोली को हम इस प्रकार में बनाएंगे ऐसे ही में। इसमें हम क्या करेंगे, आस्तीन लगाएंगे ऐसा, ये इस प्रकार। और यहाँ पर जैसे, और क्या है, ये आप ना जैसे कटिंग करेंगे तो फोल्ड हिस्से में आप सेंटर पार्ट को रखेंगे, ये इस प्रकार सेंटर में ऐसा। तो ये ऐसा है गला हमारा है, जैसे शोल्डर हमारा है 8 इंच और ये गला है हमारा 3 इंच पर। यहाँ से हमने ये सिलाई कर लिया है, इसको हमने पहले से बना लिया है। 3 इंच इसका लंबाई है, चौड़ाई है, और लंबाई भी इसका 3 इंच है। पीछे गला जो है वो 3.5 इंच का है और सामने का गला है वो 6.5 इंच का है। यहाँ से सिलाई होने पर ये दब गया है, तो यहाँ से हमको फिर 4 इंच पर यहाँ करके इस प्रकार इसको फिर यहाँ से आर्म होल के पास 8 इंच पर लेना है ऐसे। फिर इसको कट करके और यहाँ से फिर आपका जैसे रहेगा तो चेस्ट है, वहाँ से आप नीचे घेर की तरफ ऐसे लंबा तिरछा कर लीजिए। यहाँ पर आपको ध्यान देना है 15.5 इंच यहाँ पर लेना है आपको, यहाँ पर ये 15.5 इंच यहाँ पर लेना है। फिर आप यहाँ से इसको कटिंग कर दीजिए। तो यहाँ इसमें हम ये झालर लगाएंगे ऐसा, ये इसको इस प्रकार ऐसे लेस लगाएंगे ऐसे ये पूरा। और हम यहाँ पर ये जो हमारा गले का है ये इसमें भी हम इस प्रकार ऐसे लेस अटैच करेंगे। तो आइए अब इसका स्टिचिंग का बताएंगे। अब इसका लेस लगाते हैं ये ऐसे। अब यहाँ से हम इसको ये गले के पास ऐसे लेस को ये करके इसका स्टिचिंग करेंगे, लेस लगाएंगे ऐसे। ध्यान से इसको खींचते जाएंगे और ये कोन हिस्सा है वहाँ पर हल्का सा ऐसे आपको टक से देना है यहाँ पर ऐसे। ये इस प्रकार अब यहाँ पर देखिए इसको इस प्रकार ऐसे फोल्ड कर दीजिए, हल्का सा फोल्ड करना है आपको ये ऐसे। यहाँ पर थोड़ा पीछे रिवर्स करेंगे, लेस लगाने का तरीका यही है। इस प्रकार गले में तो हमारे लेस को आप कोन, जहाँ पर आपका कोन है यहाँ पर, वहाँ पर आप हल्का सा ऐसे टक्स बना दीजिए और इसको ध्यान से फिर ये ऐसे। अब यहाँ से जैसे आपका ये लेस है वो हल्का से यहाँ पर टक्स बना हुआ है और ये हल्का ऊपर उठ रहा है, तो क्या क्या कीजिए आप,
यहाँ पर इसको जैसे जहाँ पर हमने इसको हल्का सा फोल्ड किया हुआ है वहाँ पर सिलाई लगाइए और ये सेंटर पर हल्का सा सिलाई यहाँ पर लगा दीजिए और यहाँ पर जैसे ये है ये ऊपर की ओर उठ रहा है तो देखिए इसको इस प्रकार ऐसे दबा करके ऐसे सिलाई लगा दीजिए। उसके बाद यहाँ पर भी इसको पूरा यहाँ तक ऐसे सिलाई लगाएंगे, पूरा राउंड में यहाँ पर पूरा ऐसे सिलाई लगानी है। अब शोल्डर को जोड़ेंगे हम, ये हमारा पीछे पल्ला है ये, जिसको हमने इस प्रकार से बकरम लगा करके इसको हमने पहले से बना लिया है। ये हमारा सीधा हिस्सा है, ये उल्टा हिस्सा है, इसको हम सीधे हिस्से पर सीधे हिस्से पर रख करके ऐसे हम यहाँ पर ऐसे दोनों सिरों को मिलाते हुए इस प्रकार से सिलाई लगा देंगे। अब इसको यहाँ पर ऐसे कट लगा दीजिए, ये दोनों तरफ कंधों को ये यहाँ पर ऐसे, फिर इसको यहाँ से ये हमको इसको पीछे करके यहाँ पर ये फिनिशिंग आता है, इसलिए यहाँ पर सिलाई लगाना पड़ता है। अब ये लेस लगाएं, जैसे हमारा ब्लाउज को हमने पहले लेस लगा लिया है जैसे इसमें हम लगाए उसी प्रकार से, और फिर इसमें दोनों आस्तीन को इस प्रकार बराबर करके इसमें हमने सेंटर पर यहाँ पर कट मार दिया है यहाँ पर ये इस प्रकार से। अब इसमें हम फिर आस्तीन को लगाएंगे, अब हम आस्तीन लगाएंगे तो आस्तीन लगाने के लिए आपको देखना है जो गहरा वाला हिस्सा है उसको आप सामने की तरफ रखिए इस प्रकार, और जो हमने यहाँ पर जैसे कट का निशान लगाया है उसको आप बीच यहाँ सेंटर पर रख करके इस प्रकार ऐसे पूरा अपने कपड़े में ऐसे आप देख लीजिए, ऐसे आपका ब्लाउज का नाप जो है वो सही बैठ रहा है कि नहीं। ठीक है, हमारा ब्लाउज जो है ऐसे, अब हम यहाँ से ऐसे इस प्रकार ऐसे सिलाई लगाएंगे, ये पूरा हल्का सा कपड़ा को ये करके आस्तीन बहुत ध्यान से जोड़ना होता है। काय बेटी, अब ये दोनों आस्तीन को हमको जोड़ लेना है ये इस प्रकार, ये फिर हम ये कमर हिस्सा को जोड़ेंगे ऐसा, ये आप जैसे सेंटर पर हमने ऐसे निशान लगाया है ये ऐसे, ये हमारा चोली पार्ट है ये, और ये हमारा बॉटम पार्ट है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये निशान लगाया हमने सेंटर में ये, इसको ऐसे मिला करके आप ऐसे ये कर दीजिए ऐसे, फिर इसके बाद इसको बराबर मिलाते हुए इसकी सिलाई लगानी है। फिर अब यहाँ से ये सेंटर पे हमने दोनों पार्ट को जोड़ लिया है, जोड़ने के बाद यहाँ पर आप बिल्कुल ऐसे यहाँ पर ऐसे आगे पीछे दोनों पल्लों को जोड़ करके अब हम इसका फिटिंग करेंगे। तो हमने हमारा जो चेस्ट है वो टोटल हमारा 46 इंच है, 46 इंच में हमको दो दो इंच दोनों तरफ लगभग ढाई ढाई इंच हमको ये ढाई इंच यहाँ से और इस बाजू तरफ से भी ऐसे ढाई इंच पर ऐसे निशान लगाना है। तो हमारा चेस्ट होगा ये ऐसे, ये 20 इंच आएगा, तो इसका 20 का डबल होगा 40 इंच। तो हमारा जो
टोटल चेस्ट आ जाएगा। फिर तो आइए सिलाई करते हैं। अब यहाँ पर हमको ये हमारा कमर का हिस्सा है, कमर में जैसे सूट में हम करते हैं, तो यहाँ पर हमको यहाँ ढाई लिया है हमने, यहाँ पर लगभग एक इंच एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ से, ये 7 इंच पर यहाँ पर ऐसे निशान लगा दीजिए। फिर यहाँ से हम 3 इंच, जैसे आपको थोड़ा फिटिंग का और पहनना है, ज़्यादा लूज नहीं पहनना है, तो आप 3 से 4 साढ़े 3 ऐसे ले सकते हो। मैं यहाँ पर 3 ले रही हूँ ऐसे। फिर यहाँ से इसको ऐसे, यहाँ से पूरा आपको लेना है ये ऐसे पूरा, ये पूरा ऐसे फिर सिल देना है इसको। आइए सिलते हैं इसको। ये ऐसे पूरे राउंड में यहाँ तक लगभग 1 इंच 1.5 इंच आपको दबाव देते हुए यहाँ पर आपको हल्का सा गहरा लेना है। फिर यहाँ पर ये हमारा जो बॉटम का हिस्सा है वहाँ पर ऐसे फोल्ड करना है यहाँ पर। आप यहाँ पर चौड़ा पट्टी नहीं रखना चाहते तो भी कोई बात नहीं, आप पतली पट्टी बना सकते हो। हमने यहाँ पर 2.5-3 इंच को 2.5-3 इंच का फोल्ड दिया है यहाँ पर, तो ऐसे इसको बराबर रखते हैं। यहाँ पर सिलते समय ध्यान देना है, ये इस प्रकार एक बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पर हमारा ये जैसे हमारा सिलाई था उसको ऐसे बीच में सेंटर बना करके ऐसे इसको इस प्रकार कर दीजिए ये, उसके बाद इसमें इस प्रकार बैठाते हुए आपको सिलना है। ये जैसे थोड़ा बहुत ये सलवट आ रहा है तो यहाँ पर थोड़ा चुन्नट बना सकते हैं। पूरा यहाँ तक सिलाई लगानी है आपको इसी प्रकार यहाँ तक। सुविधा के लिए ऐसे आप यहाँ पर जैसे ये इस प्रकार ऐसे रख करके ये आप ऐसे पिन अटैच कर सकते हो। अब दोनों पार्ट को सील करके ये हमने सील लिया पूरा, ये हमारा गाउन ये सील किया है। बॉटम को घेर को भी हमने ऐसे 2 इंच का फोल्ड बना के सील लिया है ऐसे ये पूरा। अब हम इसमें ये 9.5 इंच का हम यहाँ पर झालर लगाएंगे, तो कहाँ पर लगाएंगे हम इसमें, यहाँ पर ये यहाँ पर सेंटर में यहाँ पर बिल्कुल इससे 1 इंच 1.5 इंच नीचे यहाँ पर लगाएंगे। तो आइए लगाते हैं। ऊपर बता दें ये लेस लगाएंगे और ये इसका मेजरमेंट देखते हैं, ये 10.5 इंच कपड़ा है, दोनों साइड से हमने इसको फोल्ड किया है और इसको हम लगाएंगे। इसको पहले इसका हम चुन्नट बनाएंगे, ये पूरा हम लगाएंगे ये इस प्रकार का लेस 2 मीटर हमने इसमें जैसे कि ये गले और इसके लिए हमको 2 मीटर लेस हमको चाहिए, और इसको लगाने के बाद ये इसका चुन्नट बनाएंगे। तो चुन्नट बनाने के लिए टाका को बड़ा कर कर के इस प्रकार सिलाई लगाएंगे। ये पूरा सिलाई लगाने के बाद इसको हम इस प्रकार ऐसे खींच देंगे तो ये हमारा चुन्नट बन जाएगा। फिर चुन्नट जैसे जिस वक्त हमको सिलना है उसी टाइम हम इसको इस प्रकार ऐसे खींचेंगे। उसके बाद ये पूरा हमारा जो है कपड़ा ये फिर ये दोनों पल्लों को इस प्रकार ऐसे जॉइंट लगा दीजिए और सिलाई कर दीजिए। जोड़ने के बाद इसको पूरा ये करके हम इसमें लगाएंगे इसको। तो इसको लगाने के लिए यहाँ पर 1 इंच का ये इस प्रकार ऐसे निशान लगा दीजिए
ये ऐसे, और पूरा फिर सिलाई करेंगे। पल्लों में सामने का हिस्सा में अलग चुन्नट बनाएंगे और पीछे के हिस्सा में अलग। तो देखिए इसको इस प्रकार ऐसे लगाएंगे। ये जोड़ वाला हिस्सा है उसको यहाँ पर, ये हमारा ये बाजू का है यहाँ पर, ये वहाँ पर ऐसे लगा दीजिए। फिर इसको यहाँ पर से ऐसे सिलाई कर दीजिए। और पहले क्या कीजिए आप, ये ऐसे इस प्रकार ऐसे निशान लगा दीजिए ताकि आपको सिलने में आसानी जाए। अलग अलग पल्लों को इस प्रकार करके आपको सिलना है। अब इसमें ये जो हमने चुन्नट बनाया हुआ है, इसको बनाने के लिए जो सिलाई हमने पहले किया था उसको इस प्रकार ऐसे हल्का सा ऐसे खींचते जाइए। और देखिए आपका नाप यहाँ पर जो बाजू है वहाँ पर आ रहा है कि नहीं। फिर यहाँ पर इसको इस प्रकार जो नीचे का निशान है वहाँ पर भी ध्यान देना है। और फिर यहाँ पर फिर आपको इसको इस प्रकार रख करके फिर सिलते जाना है। तो देखते हैं, इसको ध्यान से लगाना है यहाँ पर इस प्रकार। अब इसको पीछे पल्ला में भी इसी प्रकार ऐसे लगाते जाइए, इसको सिलना है। ध्यान रखिए आपका ये चुन्नट जो है उलट ना पाए, ये इस प्रकार इसको। और यहाँ जो हमारा हिस्सा है ये सेंटर पर, उसको इस प्रकार आप ऐसे इसको दोनों जो सिलाई है उसको इस प्रकार ऐसे कर दीजिए, ऐसे फिर करके यहाँ पर ऐसे सेंटर पर यहाँ पर पूरा सिलाई लगा देना है। ये जो निशान हमने पीछे में लगाया है यहाँ पर ऐसे लेना है आपको, ध्यान रखते हुए ऐसे इस प्रकार। ध्यान ये रखना है नीचे कपड़ा दबे भी नहीं। तो आइए अब देखते हैं हमारा गाउन नाइटी जो है वो किस प्रकार बना है। धन्यवाद दोस्तों, ये हमारा नाइटी है वो तैयार हुआ। हमारा काम आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बात दोस्तों, हमारे सब्सक्राइबर दोस्त हैं उनको हम धन्यवाद कहते हैं, आपने हमको देखा और हमारी डिज़ाइंस को पसंद किया। थैंक्स।